हेलो चिल्ड्रन आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन ओके तो व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कोई नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना कहाँ से पेरेंट्स से देखिए कोई नए नए इंडिविजुअल का बनना दैट इज फ्रॉम द पेरेंट्स इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन अब देखिए द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रूट स्टेम्स एंड लीव्स अब देखेंगे आपने प्लांट्स सभी ने प्लांट्स देखा है प्लांट्स में आप जानते हैं कि रूट्स होता है स्टेम्स होता है लीव्स होता है तो ये जनरली ये जितने पार्ट्स है प्लांट के इनको हम क्या कहेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स है ना तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर रूट

आन द सेकेंड वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो आज हम एक एक करके सारे हम इनको डिटेल में देखेंगे तो so, सबसे पहले हम देखेंगे कि असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वॉट असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स अब इसमें असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जैसे आपको पता है कि जैसे आपने देखा होगा कभी आपने प्लांटेशन किया होगा तो जो सीड्स है हम सॉइल uh, में सो कर देते हैं या बो देते हैं तो क्या होता है नए प्लांट का ग्रो होता है तो मगर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है यहाँ पे सीड से न्यू प्लांट का ग्रो नहीं होता है ठीक है ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ पे सीड से नए प्लांट के ग्रोथ नहीं होते हैं देन दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वॉट अन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है नए प्लांट्स जो है वो सीड्स में से ग्रो होते हैं ठीक है तो आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देन हम देखेंगे सब एक्सेक्शुअल रिपोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है जनरली देखिए असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप्स होते हैं तो हम मेन टाइप देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपैकेशन ठीक है फर्स्ट टाइप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपैकेशन बडिंग फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपैकेशन अब वेजिटेटिव प्रोपैकेशन मतलब क्या होता है जिसमें न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन वेजिटेटिव पार्ट्स से होता है अगेन आई एम रिपीटिंग कि नए प्लांट्स का फॉर्मेशन जो है प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट्स है स्टेम्स है या लीव्स है उसके द्वारा होता है तो हम उसे कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताऊँगी जिससे कि आपको डाइग्राम के थ्रू पिक्चर के थ्रू यू विल गेट मोर आइडिया ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपैगेशंस अब देखिए आपने देखा है कि रोज है जो रोज़ प्लांट है हमने उसका स्टेम्प को कट किया ठीक है रोज प्लांट के स्टेम्प को कट करेंगे और उसको हम सॉइल में सो कर देंगे तो हमें नया रोज़ प्लांट मिल जाएगा तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन जो हो रहा है वो स्टेम्प के द्वारा हो रहा है और स्टैम्प आपको मैंने भी बताया कि वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का उसी तरह से जैसे ये मनी प्लांट है आपने मनी प्लांट देखा है तो मनी प्लांट का भी अगर हमने स्टैम्प कट कर देंगे और स्टैम्प कट कर, करके कर हम सॉइल में लगा देंगे तो वी विल गेट द न्यू मनी प्लांट ठीक है न्यू प्लांट ऑफ मनी प्लांट हमें मिल जाएगा उसी तरह से आपने पोटैटो को देखा है ये जो पोटैटो में ये जैसे स्ट्रक्चर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम आय कहते हैं ना पोटैटो आय आय कहते हैं तो अगर हमने इस पोटैटो को इस बल्ब के साथ या इस आय के साथ हमने कट किया और सॉइल में बो कर दिया सॉइल में हमने सो कर दिया या बो दिया हमने तो हमें क्या मिलेगा न्यू पोटैटो प्लांट मिलेगा तो दिस इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट दैन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे यू नो द जिंजर जिसे हम अदरक कहते हैं ठीक है आपने अदरक को थोड़ा सा ही अदरक को आपने सॉइल में आपने सो कर देंगे ठीक है आपने सो कर देंगे तो कुछ समय के बाद उस जिंजर में से देखिए आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं है ना तो उस जिंजर में से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आ, न्यू प्लांट्स ट्रू वेजिटेटिव प्रोपैगेशन हम देख सकते हैं अब ये है इस तरह की लीफ होती इसे हम कहेंगे ब्रायोफाइलम ठीक है अब ब्रायोफाइलम में क्या होता है ब्रायोफाइलम के जो ये मार्जिन है आप देख रहे हैं ये लीफ है ना इस लीफ के मार्जिन दिख रही है आप लोगों को है ना इस लीव के मार्जिन में और भी लीव्स ग्रो हो जाते हैं छोटे छोटे से लीव दिख रहे हैं आपको यहाँ पे देखिए मार्जिन में लीव दिख रहे हैं ना तो ये लीव ग्रो होते हैं ठीक है और कुछ समय के बाद ये लीव जो है डिटैच हो जाते हैं अलग हो जाते हैं इस मेन लीव से और ये सॉइल अपने आप सॉइल में न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते तो इस तरह से बायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो लीव की हेल्प से हो रहा है ठीक है और उसी तरह से हम ये देखेंगे कैक्टस कैक्टस जनरली वैसे तो सब जगह अब ग्रो होते हैं मगर ये जनरली गर्मी या डेजर्ट एरिया में मिलते हैं तो वेजिटेटिव इसमें भी क्या होता है कैक्टस के हम कोई भी पार्ट को हम अगर सॉइल में सो कर देते हैं तो वी विल गेट द न्यू कैक्टस प्लांट तो इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने देखा कि अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स जैसे जैसे स्टेम है ठीक है देन बल्ब है आई आई बल्ब है पोटैटो बल्ब है ठीक है लीफ है तो इन सब अलग अलग पार्ट्स से जब प्लांट्स के जब न्यू प्लांट्स ग्रो होता है तो दैट तो इज वॉट कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपैगेशन अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन का हमने हमने ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप देखा जिसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन अब हम सेकेंड टाइप देखेंगे बडिंग बडिंग जो है ईस्ट में होता है ईस्ट जनरली बेकर्स जो होते हैं वो ईस्ट को यूज़ करते हैं टू फॉर्म द ब्रेड ब्रेड बनाने के लिए बेकर्स यूज करते हैं तो अब ईस्ट में क्या होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये देखिए ये ईस्ट का सेल है ईस्ट का एक सेल है इसमें देखेंगे आप इसमें आप देख रहे हैं कि क्या क्या है न्यूक्लियस है ईस्ट के सेल में साइटोप्लाजम इज देयर ये ईस्ट का सिंगल सेल है ठीक है सिंगल सेल स्ट्रक्चर है इसमें वैक्यूल वैक्यूल मतलब ये बहुत बड़ी खाली जगह है इसे हम कहेंगे वैक्यूल फिर रिजर्व फूड बॉडीज़ और यहाँ पे बहुत सारी फूड बॉडीज़ हैं तो इस सेल में क्या होता है कि ये जो है इस सेल जो है अपने आप एक प्रोजेक्शन फॉर्म कर लेता है देखेंगे आप ये इस सेल सिंकल सेल है ये इसने अपना प्रोजेक्शन एक फॉर्म कर दिया और ये प्रोजेक्शन अपने आप में देखो एक नया सेल का फॉर्मेशन हुआ तो इस तरह से न्यू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसे ही इस सेल जो है पूरे हर जगह ऐसा एक इससे वन से टू टू से, two two से थ्री ऐसे अलग अलग बहुत सारे इस सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं और ये अपने मेन इससे अलग हो जाते हैं और नए सेल का फॉर्मेशन करते हैं तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम कहेंगे बडिंग ठीक है इसको क्या कहेंगे इस प्रोसेस को हम कहेंगे बडिंग और जिसके द्वारा नए इस सेल का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ ए वेजिटेटिव असेक्शुअल रिप्रोडक्शन सॉरी इट इज़ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट टाइप ऑफ है असेक्शुअल रिपोडक्शन इस फ्रेगमेंटेशन ठीक है अब फेगमेंटेशन में क्या होता है ये हम देखेंगे जनरली स्पाइरोगैरा स्पाइरोगैरा मतलब क्या होता है आपने वाटर में ग्रीन ग्रीन कलर का देखा है जिसे हम काई भी कहते हैं ठीक है तो ये ग्रीन ग्रीन वाटर में आपने देखा है तो दैट इज़ ओनली द स्पाइरोगैरा अब स्पाइरोगैरा में क्या होता है देखिए स्पाइरोगैरा जनरली ग्रीन कलर का होता है ये अपने आप में ही एक बड़ा सा सेल है ये सेल है अपने आप में भी अलग अलग सेल के ग्रुप है ये इसमें देखिए न्यूक्लियस होता है और ये जो है एक सेप्टा एक लाइन है दिख रही है आपको ये सेप्टा इस सेल को दूसरे सेल से अलग करता है एक लाइन बनाता है दैट इज सेप्टा ये है स्पाइरली क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना ये स्पाइरली अरेंज होता है इस स्पायरो में इसीलिए इसका नाम स्पायरो है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में ठीक है यहाँ दिख रहा है आपको स्पाइरल फॉर्म में अरेंज है इसलिए इसको स्पायरोग कहते हैं तो क्या होता है स्पायरो में ये से फ्रेगमेंट होता है फ्रेगमेंटेशन मतलब टूट के नया बनना दैट इज ओनली कॉल फ्रेगमेंटेशन है ना तो अब ये स्पायरो में ये स्पायरो जनरली सेप्टा के जगह से ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक करके इट फॉर्म्स ए न्यू सेल आप देखिए यहाँ पिक्चर में देखेंगे इसने अपने को ब्रेक किया है एंड दिस इज़ वन सेल

हाँ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ कॉल स्पोर फॉर्मेशन अब ये जनरली फंगस में या फर्न में होता है फंगस आप सभी ने देखा है जैसे ब्रेड है ठीक है ब्रेड जब खराब हो जाती है तो उसके ऊपर कुछ येलोइश या फिर ब्लैकिश टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है दैट इज़ ओनली द फंगस है ना तो अब ये फंगस क्या करते हैं इसमें फंगस का स्पोर का फॉर्मेशन होता है देखेंगे ये जो ब्रेड में बन जाता है ना येल्लोइ येलोइश एंड ब्लैकिश कलर का ये अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा ठीक है इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा तो इसमें क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन में ये फंगस क्या करते हैं ये देखिए यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है दिख रहा है आपको यहाँ पे डॉटेड स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड द स्पोर्स अब क्या होता है कुछ समय के बाद ये जो लाइंग है ये जो मार्जिन है इस फंगस की ये स्पोर्स ये फूट जाती टूट जाती ब्रेक हो जाती और ये सब स्पोर्स फैल जाते तो इस तरह से नए स्पोर्स का या न्यू प्लान्स का फॉर्मेशन होता है एंड दैट मेथड ऑफ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द स्पोल फॉर्मेशंस देन डैट ऑल फॉर टुडे थैंक यू